दोस्तों देखिए ये हीरो होंडा का ये गियर का किट है पूरा, आप देख सकते हैं गियर क्रॉस, गियर स्पॉकेट, ये सबटा सब रखा हुआ है यहाँ पे। तो कुछ मैकेनिक भाई इस तरह खोलने से डरते हैं, वो सोचते हैं कि हम कैसे इसे फिट करेंगे। तो आज मैं उसके लिए ये वीडियो बनाया हूँ, इसे देखकर वो बिल्कुल फिट कर सकेंगे। कोई चिंता फिक्र करने की बात नहीं, आप जब चाहे जब भी इंजन खोलेंगे आप पूरा इस तरह से खोल के बिल्कुल इंजन साफ़ कर सकते हैं। तो आपको बताएंगे आपको किस तरीके से क्या क्या डलना है, पहले क्या क्या डलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। तो सबसे पहले इस सप्ता को हम सेट करेंगे, इसमें हम सेट करेंगे पहले। तो पहले इस वाले इस पॉकेट को हम लगाएंगे, ये एक नंबर का गियर हो गया आपका, दो नंबर का देखिए, इसके नीचे वाशर नहीं होता है। हमें वाशर यहाँ पे देना होगा, एक वाशर हमें इधर लगाना होगा। तो ये हमने वाशर लगाया, अब इसमें हम ये वाला लॉक डालेंगे। ये वाशर इसलिए दिया जाता है कि ये जो लॉक है ये लॉक कट लॉक है, इस वजह से ये वाशर दिया जाता है इधर, और इधर कोई चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, इधर इधर घाट बना हुआ है, इसकी वजह से वाशर इधर नहीं देना पड़ता है। देखिए हम ये लॉक फिलहाल से हम इसे हम सेट कर रहे हैं। इसे तो मैंने लगा दिया है, अब इसे लगाना है इस वाले को, इधर से आपको लगाना है। देखिए ये इस तरीके से लगेगा, अब हमें इसके अंदर वाशर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पिनियन ये वाला फ्री नहीं होता है, ये जाम रहता है, इस वजह से इसमें वाशर नहीं लगेंगे, और इसमें लगता है ये फ्री की वजह से। और इसमें हमें डायरेक्ट इस लॉक को लगा देंगे यहाँ पर। देखिए मैंने ये इस लॉक को मैंने लगा दिया, अब इसके ऊपर वाशर लगेंगे, इसके ऊपर ये वाला वाशर हो गया। अब इसमें वाशर इसलिए दिया गया है कि ये वाला जो पिनियन है ये फ्री रहता है, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब ये गियर इसे काम ऐसे काम करेगा, तो ये वाला कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको सेट करेंगे। दोस्तों इसी तरह अब इसको हमें इस तरीके से लगाना है, इसमें भी वाशर नहीं लगता है, ध्यान रहे, क्योंकि ये फ्री नहीं है, जो इस पॉकेट फ्री रहता है उसी में लगते हैं। तो इसके ऊपर हमें लॉक लगाना है इस वाले को, अब देखिए इसके ऊपर हमें वाशर देना होगा। तो ये तो खैर जब इंजन खोलते हैं तो ये ऊपर ही आ जाता है, इससे ये वाला तो फ्री रहता है, तो इसके ऊपर फिर ये वाला इसे दे दिए,
वो ऐसा इसलिए लगता है कि ये वाला स्पॉकेट जो है ये फ्री रहता है। फिर इसके ऊपर हमें इसे लगाना है और फिर इसे, इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, आप चाहे जिधर से डाल सकते हैं, ऐसे लगा दिया। अब इसके ऊपर ये तो रहता है, आप तो जानते ही है। देखिए अब नीचे की ओर, नीचे आपको इसे डायरेक्ट लगा देना है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो खड़ा का निशान है, ये हमें नीचे लगाना है इसे। अब लॉक हमें इस तरीके से ऊपर से लगाना है। दोस्तों देखा आपने मैं कैसे सेट किया इसे। अब डायरेक्ट इसे हम चैम्बर में लगा देंगे इसी तरह। ये अब ये डायरेक्ट हम इसे इस तरीके से सेट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।